मांग है कि सभी एडवोकेट्स को पेंशन की स्कीम लागू हो, मेडिकल क्लेम लें, सबको मकानों की रियायती दर पर भूखंड मिलें, जीएसटी के अंतर्गत जो टैक्स एडवोकेट्स हैं उनको एनुअल रिटर्न वेरीफाइड करने का अधिकार मिले। अगर किसी भी एडवोकेट की कोई भी दुर्घटना हो जाए तो कम से कम 50 लाख रुपया उसको कंपनसेशन का मिले, ये हमारी मांग है। यहाँ पे सर आप लोग आए हुए हैं तो अभी कहाँ कहाँ से वकील और ऑल ओवर इंडिया से यहाँ वकील आए हुए हैं। अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग गाजियाबाद से आए हुए हैं और हम सब लोग भाई साहब पटना से हैं, ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर पधार रहे हैं, दिल्ली के एडवोकेट से। सर हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जैसे अगर आपकी मांगें पूरी नहीं हुई जी सर, आप लोग आगे भी आंदोलन करेंगे? हाँ, आगे भी आंदोलन करेंगे और पुरजोर रूप से करेंगे। अगर एडवोकेट्स की मांगें पूरी नहीं होंगी तो हिंदुस्तान में फिर किसकी पूरी होंगी? जंतर मंतर पे आएगा और आप देखेंगे वकीलों का जुनून देखेंगे, जोश देखेंगे कि उनकी जो मांगे हैं सच्चाई पे टिकी हुई हैं, क्योंकि उनको चाहिए नए वकील जो यंग आ रहे हैं उनको स्टाइपेंड दिया जाए, क्योंकि वकीलों को किसी तरह की कोई किसी तरह की प्रोटेक्शन नहीं दी गई। प्रोटेक्शन एक्ट भी हमें चाहिए कि कोई भी हमारा क्लाइंट आके हमारे को हाथ उठा देता है, कोर्ट प्रीमिसिस में कर देता है, लेकिन हम एक लिखे एजुकेटेड होते हुए भी उन चीज़ों पे बस नेगलेक्ट कर देते हैं, उनको माफ़ कर देते हैं। लेकिन कानून हमारे हाथ में शुरू से रहा है, हमने सारी बुराइयों को देश की, यहाँ तक कि इंडिया की सारी बुराइयों को हमने कंट्रोल किया है। यहाँ पे पुलिस को भी सपोर्ट करी है, जुडिशियल सिस्टम को भी सपोर्ट करी है हम लोगों ने। उसके बावजूद भी अभी आज तक हमने कभी आज तक सरकार से कोई मांग नहीं करी थी कि हमारे को ये चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि सरकार हमें नेगलेक्ट कर दे, हमारी कोई ज़रूरतें ही नहीं है, हम लोगों के परिवार नहीं है। एक फौजी के मरने पे 1 करोड़ रुपए आप दे देते हो, हमारे अगर कोई गरीब से गरीब, कुछ टाइम पहले आपने पेपर में देखा होगा एक वकील भूख से मर गया, लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान अगर सरकार नहीं देगी तो फिर कौन देगा? अगर एक मजबूत सिस्टम है, जो सिस्टम मजबूती से क्राइम को हर चीज़ को होल्ड करा हुआ है। डिमांड है कि जो एडवोकेट का पेंशन स्कीम है, प्रोटेक्शन एक्ट है, हाउसिंग स्कीम है, वो सब हम लोग आज लागू कराना चाहते हैं और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कान तक आवाज़ जाए और इस विषय को आज हम लोग प्रदर्शन के माध्यम से, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के माध्यम से जंतर मंतर पर खड़े हैं और सारे मांगों को लेकर हम लोग उनसे भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री, लॉ मिनिस्टर मिस्टर रविशंकर प्रसाद सिंह, वो भी एडवोकेट हैं, हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि आप सारे जो हमारे डिमांड हैं उसको पहली बार हम लोगों ने उठाया है और उसको आप लोग फुलफिल कराएं और भारत की सरकार, जो नई सरकार आने के पूर्व, जो नई सरकार आनी है, अब क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन नई सरकार आने के पूर्व एडवोकेट के पक्ष में जितने डिमांड है उसको पूरे किए जाएं, इन्हीं विषय को लेकर हम लोग जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए। जो आप डिमांड कर रहे हैं, आपको इन डिमांडों की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, डिमांडों की ज़रूरत एक बेगर को भी पड़ता है। अब हम लोग तो एडवोकेट हैं, लगातार क्लाइंट का काम करते हैं, लेकिन हम लोगों को सरकार का काम करते हैं और एक अधिवक्ता ने आज तक कभी सरकार से किसी संस्था से कुछ नहीं मांगा। आज तक हम लोगों का कोई डिमांड नहीं रहा, पहली बार डिमांड है। और जो प्रबुद्ध आज भारतीय जनता पार्टी का प्रबुद्ध सम्मेलन देश में चल रहा है, तो हम लोगों से प्रबुद्ध कोई हो नहीं सकता। आज वो जो सम्मेलन है उसका भी जरूरत है, लेकिन जो आज मेरा कार्यक्रम है उससे अति महत्वपूर्ण है। और आज निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी और भारत की सरकार, प्रधानमंत्री जी आज के विषय को सुनेंगे और जो डिमांड्स मेरे हैं, सारे भाइयों के डिमांड्स हैं, देश के लाखों वकीलों के डिमांड हैं, उसको निश्चित रूप से पूरा करना चाहिए। इसका अपील और जो मिन्नत और आग्रह करने के लिए हम लोग यहाँ जुटे हैं और आप तमाम मीडिया बंधुओं का भी आभार प्रकट करते हैं कि सुबह से आप लोग आए हैं और अच्छा अच्छा कवरेज दिखाएं और सरकार पर दबाव बने और हम लोगों का पूरा डिमांड फुलफिल। अगर ये डिमांड पूरी नहीं होगी तो आप लोग आगे क्या कर रहे हैं? देखिए, डिमांड पूरी नहीं होगी तो ये मार्च जो है और तेज होगा, और तेज करेंगे हम लोग।
जो आज पहली बार किए हैं हो सके 15 दिन पर करें, महीने में एक बार करें, लेकिन हमारा आंदोलन सत्य अहिंसा का है, गांधी जी का नेतृत्व हम लोग मानते हैं और हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन करके अपने डिमांड को मनवाना चाहते हैं।